गोश्त के नाम पर मारा जाता है। मैं एक गोश्त की दुकान पर गया, बल्कि कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों को, अब जितने पैदल दौरे होंगे हर गोश्त की दुकान के सामने मेरे को फूल का हार पहनाना आप। गोश्त की दुकान है, कारोबार कर रहा हूं उन्हें कुरेश ब्रादरी वाले, उनका बरसों उनका वही है कारोबार। ने आप वहां जाके बोले रेहान बीफ शॉप मुबारक, अरे क्या है उसमें? मैं इडली की दुकान पे जाके इडली डोसा वड़ा खाया, इडली जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको, वड़ा जिंदाबाद बोलू, डोसा जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको। अरे यही तो बताना चाह रहा हूं, ये मुल्क डोसा इडली वड़ा बिरयानी कल्याणी बिरयानी चिकन बिरयानी हलीम सबों का है, कर्ड राइस खाते लोग, यही तो भारत की खूबसूरती है। 10 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिए, 1.5 करोड़ उद्धव ठाकरे को दिए, और हम एक बीफ की गरीब की दुकान पर मैं गया तो आसमान सर पे उठा लिए। अरे कुछ तो शर्म रखो, तुम 10 करोड़ रुपया लेते एक बीफ एक्सपोर्ट कर रहा हूं उन्हें, यानी तुम्हारे को पैसे मिले तो जिंदाबाद, और मैं गरीब की दुकान पे जाके बोला तो हां कैसा बोले, अरे क्या कमाता होगा गरीब वो। और हमारे हिंदू भाई में जो समाज कटिक समाज है वो भी गोश्त बेचते, माने आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड 10-10 करोड़ लेंगे अलाना कंपनी से, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले वीडियो डाले, अरे शराब बिकती, हम क्या बोलते भाई शराब की दुकान, हम क्या बोलते मस्जिद के स्कूल के उतने दायरे में मत रखो आप। मैं भी कल खड़ा हो गया अगर बोला मैं कि रमजान में शराब की दुकानें बंद रहना, पूरे के पूरे रोड पे निकल के पागल हो जाएंगे अगर मैं बंद करा दिया तो पूरे शराब के दुकानों को। आप समझ रहे हम नहीं बंद करा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते, हम जानते हैं ये जमहूरियत है, कानून के लिहाज से काम करना है। आप कौन होते, नहीं तुम ये कपड़े नहीं पहनना, तुम आरएसएस की चड्डी पहनना, क्या मतलब? अब तो हद ये हो गई कि हमसे कहा जा रहा है भारत के मुसलमानों से कि इस्लाम अगर सीखना है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंद के लोगों से सीखो, आरएसएस के चीफ से सीखो। भाई उन्होंने क्या फजीलत शेख है, फिक उनको क्या मालूम, ये इनका असल मकसद है। अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया, 6,000 करोड़ का लोन दिलाया, अरे गरीब 50,000-2 लाख के लोन के लिए चपला घस जाते उसके, 6,000 करोड़ का लोन मिला। वही बैंक है मोदी जी, मुस्लिम वोट बैंक नहीं है इस देश में, एक ही बैंक है जिसके जरिए आपने अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का बजट दिलाया, लोन दिलाया, और आज आप बोलते देश की दौलत मंगल सूत्र निकाल के हमारे हिंदू बहनों के गलों से मुसलमानों को दिया जाएगा। कितना झूठ आप बोलेंगे मोदी जी, मंगल सूत्र क्यों निकालेंगे कोई, मगर आप देखिए जबान, रोड पर बैठने वाले भी ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करते, मगर देश का वजीर आजम अफसोस हो रहा है। एक इनका वजीर आया हैदराबाद में आके बोला कि असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब से उसका ताल्लुक है। अच्छा इनके जो वजीर साहब हैं उन्होंने दिल्ली में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देकर कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, आज उन्होंने आके हमको औरंगजेब, अरे औरंगजेब से मेरे को क्या लेना देना, बाबर से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है इन बादशाहों से, तारीख का हिस्सा है। औरंगजेब की बात आई तो फतावे आलमगीरी हमारे लिए सर आंखों पे है, मगर नहीं औरंगजेब तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग, मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा बट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। अरे इस ये मुल्क अगर किसी का है
ये मुल्क अगर कि सबसे पहले इस मुल्क पे कौन आए, आदिवासी लोग, फिर द्रविडियन, ये अपर कास्ट जो आला जात के लोग हैं, ये पूरे आर्यन हैं। ये कहां से आए? ईरान से आए। अब जो मौजूदा रशिया के स्टीव्स है वहां से आए। अरे ये मुल्क तो मैं, अगर तुम ऐसा बोले तो द्रविडियन और आदिवासियों का देश है, आप कहां से आ गए? जवाब देना, समझे ना, हो या नक्को में। मोदी के 5 साल हाओ या नको, हाओ या नको। बेरोजगारी के 5 साल हाओ या नको। गुलामी घुसपैठी के क्या है, हाँ कौन सा, हाँ हिंदुत्व के 5 साल, बुलडोजर के 5 साल, गौरक्षक की दहशत के 5 साल, हिजाब अजान हलाल की गाली के 5 साल। जोर से बोलो नक्को बोल के, बोलिए ये जुल्म के 5 साल, बोलिए ये जुल्म के 5 साल। आप पप्पा को मालूम होगा, अब कभी इस पे बात नहीं करेंगे। बहुत बातें बोल सकता हूं, जो बहुत बोल रहे हैं याद रखो, सालार बोलते थे अगर किसी को अपना शिजरा निकालना है तो मजलिस के खिलाफ गाली दे दो, निकल जाता पूरा। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मगर आपको और हमको 13 मई के दिन अपना एक एकॉर्ड मजलिस के हक में इस्तेमाल